का स्वागत है। तो आज आपको पता होगा, अगर आप अल्मोड़ा में रहते हो तो उधर हमारा उधर चिमकनी फील्ड है, उधर नवरात्रियों की तैयारी चल रही है। तो अभी कल से नवरात्रियाँ स्टार्ट हैं, तो आज वहाँ गाने लगे हैं, उधर सब वहाँ पूजा हो रही है। मतलब उधर मैया का वो बनता है, मैया की मूर्ति बनती है उधर। तो अभी वो डेकोरेशन हो रही है उधर। अभी हम जाएंगे फील्ड, उधर कितना हुआ है करके देखने। अभी तक मैं नहीं गया हूँ, जब से वो बन रहा है करके। शुरुआत होती है फील्ड की और इधर लगती है एक गेट अच्छा सा, पर चमचम वाला है तो चलते हैं उसके ऊपर को। यहाँ पे एक दुकान भी है सामने से, फील्ड के लोग घूम घाम के आ रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि जल्दी से जाऊं और देख के आऊं कि क्या क्या हुई है उधर तैयारियाँ। ओ सामने से देखो कितना अच्छा पंडाल सजा हुआ है, जाता हूँ अभी मैं उधर तेजी से। तो यहाँ पे पंडाल बहुत अच्छा दिख रहा है, ये भी मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन की मेहनत के बाद ही संभव हो सकता है। ऊपर नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं, वो देखो पूरा माला कितने अच्छे से सजी है। नारायण जी लोग बैठे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या होगा, कब से लगे हैं वो। कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी सेल्फी। हाँ ठीक है, तो शाम को वापस जब आओगे ना, दादा को भी लाना, नाना को भी लाना, वो जाना है, मम्मी को लेके आना डेली। तो आपने कब से लगा है सेल्फी? 26 पल है ना। हाँ वो कब से रहे? बस कल ही से स्टार्ट हो रहा है। 9 बजे से, मतलब स्टार्ट नहीं है ये पूरा जो बनाया है अभी। ये कब से बना रहे हैं? कल से बना रहे हैं, 3 दिन से तैयार कर रहे हैं। कितना बड़ा बनेगा? और बड़ा बनेगा? नहीं बस बन गया है, उधर और दिख रहे थे गिलास के बड़े बड़े, बस इतने ही बने। वो जानवर अंदर आ जाते हैं ना, इसमें डाल देंगे, जानवर छोटे डाल देंगे, जानवर कोई छोटा हो नीचे से उसके लिए पहरेदार रहेंगे। रात में यहाँ लोग सोएंगे आ जाते हैं लोग, उसका
अभी मेरे ख्याल से रास्ता अभी आज तो पहुँचेगी 11 बजे के आसपास यहाँ पर रखेंगे आज। कल फिर कल वहाँ से पकड़ेंगे ऊपर, फिर सजाना सुजाना उसमें लाइटिंग फूल वहाँ पर कल करेंगे। उधर में वो जो हमारा वो भी होगा ना, कथा सुनाएंगे वो बैठेंगे। अरे वहाँ ये रहेगा 7 तारीख को, पाँच को तो दूसरा है, मूर्ति का विसर्जन होगा ना करबला में, वो 3 को है, 5 तारीख को, 5 को, 4 को ना, 4 को क्यों, 5 को होगा, दशहरा के दिन तो होगा, 5 को होगा ना, दशहरा के दिन होता है, पहले मूर्तियाँ जाते हैं, पुतले जाते हैं, पहले मूर्तियाँ जाएंगी, पुतले जाएंगे, उन्हीं में उनके 9 रूप होते हैं माता के, एक ही मूर्ति में माता के 9 स्वरूप होते हैं, इसलिए एक ही मूर्ति लगती है, लेकिन उसमें रूप जो होते हैं 9 होते हैं। अच्छा मम्मी ने क्या बताया बताओ, ओके कल से आना है बेटा। तो वहाँ नाजी लोगों ने मुझे बताया कि मूर्ति कहाँ लगेगी, व्यास जी कहाँ बैठेंगे, सब उन्होंने बता दिया कि कल कलश यात्रा होगी, सब होगा, वो मूर्ति कहाँ से मांगेगी। मैं तो चल रहा डॉल में, वह हवा भी मेरा साथ दे रही है बहुत अच्छा, भले थकान लगती है दौड़ने में इधर, पर मज़ा भी उतार रहे हैं, हवा भी अच्छी हो रही है इधर, मज़ा आ रहा है इधर। थोड़ी देर इस वीडियो के कुल 10 पार्ट होंगे, तो पार्ट 1 है, तो मैं रोज रोज जाके बनाऊंगा अलग अलग माता, सब अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों के अलग अलग माताओं का व्रत। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, और मैं शिवाय आपसे मिलते रहूँगा हर दिन। जय माता दी।